भारतीय सेना अपनी जान की फिक्र किए बिना हमारी सुरक्षा में दिन रात लगी रहती है, लेकिन कई बार देश के वीर जवान हमारी रक्षा करते करते कई ऐसे हादसों की चपेट में आ जाते हैं जिनके कारण वो देश के लिए बलिदान हो जाते हैं। इसी कड़ी में एक बेहद ही अत्यंत दुखद खबर महाराष्ट्र से आ रही है। जम्मू कश्मीर में तैनात भारतीय सेना के हवलदार श्रीधर चव्हाण वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। 32 साल के वीर जवान श्रीधर कश्मीर में रहते हुए भारतीय सीमा की सुरक्षा कर रहे थे, तभी 8 जनवरी को गैस एक्सप्लोजन के कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गए और हॉस्पिटल में 2 दिन तक वो जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गए। गुरुवार सुबह उनका पार्थिव शरीर महाराष्ट्र में उनके गांव लातूर ले जाया गया, जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग अपने फौजी भाई को सैल्यूट करने के लिए आए हुए थे। इस मौके पर शहर के लोगों ने नम आंखों से पुष्प वर्षा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और गांव की सड़कों के दोनों ओर रंगोली बनाई गई। वहीं हवा में गोलियां दागकर शहीद श्रीधर चव्हाण को सलामी दी गई। इस मौके पर वीर जवान श्रीधर चव्हाण अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान जैसे नारे दिए गए। आपको बता दें, उनके बड़े भाई अमर चव्हाण ने भारी मन से अपने छोटे भाई वीर जवान श्रीधर का अंतिम संस्कार किया। शहीद श्रीधर अपने पीछे माँ संगीत ताई, पिता वेंकट राव, पत्नी राधा ताई, 1 साल की बेटी आस्था और भाई अमर को अकेला छोड़ गए हैं। आपको बता दें, वीर जवान 19 साल की उम्र में भारतीय सेना में शामिल हो गए थे और करीबन 13 साल तक उन्होंने देश की सुरक्षा की। भारत माता के वीर सपूत श्रीधर चव्हाण को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए शिवालिक जनरल कोटि कोटि नमन करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।